वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एक्सेल इन्फोटेक में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद और आज का हमारा टॉपिक है बर्थ शीट। बर्थ शीट बहुत ही इंटरेस्टिंग शीट है। यदि आपके पास आपकी कुछ डेट ऑफ बर्थ है तो आप उनका मंथ निकाल सकते हैं, डे निकाल सकते हैं, टोटल ईयर निकाल सकते हैं, टोटल मंथ निकाल सकते हैं, टोटल डे से लेकर के डेट ऑफ बर्थ यानी कौन से दिन आपका बर्थ हुआ था वो भी निकाल सकते हैं। आवर्स, मिनट्स और सेकेंड्स भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग शीट है ये। तो शीट को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। हम इसी तरह से आपके लिए बेहतरीन वीडियोस लाते रहेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको ध्यान देना है कि जो भी आप डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे उसका जो फॉर्मेट होना चाहिए वो MMDDYY के अंदर होना चाहिए, यानी कि पहले मंथ होना चाहिए, फिर डे होना चाहिए और फिर ईयर होना चाहिए। तो चलिए आपको करना क्या है, मंथ पे जाकर के इज इक्वल टू का यूज़ करना है। यहाँ पे आपको लिखना है डेटेड इफ। डेटेड इफ लिखने के बाद आपको यहाँ पर लेना है अपनी डेट ऑफ बर्थ की रेंज और कॉमा लगाना है। कॉमा लगाने के बाद आप लिखेंगे यहाँ पर टुडे। टुडे लिखने का मतलब ये हुआ कि इस डेट से लेकर के टुडे यानी आज तक की डेट तक ये कैलकुलेट करे। कॉमा इन्वर्टेड कोट, क्या कैलकुलेट करना है हमें, मंथ कैलकुलेट करना है। तो मंथ के लिए हम लिखेंगे यहाँ पर YM। YM का मतलब है ईयर के अंदर से मंथ को निकाले, ब्रैकेट को करेंगे हम लोग बंद और एंटर प्रेस कर देंगे। आप देखेंगे करंट मंथ 4 आ गया। ये जब पूरा डेटा हमारा कंप्लीट हो जाएगा तब आपको ये सब कुछ समझ में आने लग जाएगा कि ये 4 क्या है। तो चलिए डे को निकालते हैं। इसी तरीके से सेम फॉर्मूला आपका यूज़ होगा। डेटेड इफ, डेटेड इफ लिखने के बाद ब्रैकेट को करिए ओपन, डेट ऑफ बर्थ की रेंज लीजिए, कॉमा यूज़ करिए, टुडे का फॉर्मूला यूज़ करिए, टुडे लिखने के बाद ब्रैकेट को क्लोज करिए, कॉमा यूज़ करिए, इन्वर्टेड कोड यूज़ करिए। हमें निकालना है डे। तो डे होता किसके अंदर है, मंथ के अंदर होता है। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग MD यानी मंथ के अंदर से डे को निकालें, यानी 26 डेज हो चुके हैं। अब टोटल ईयर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इज इक्वल टू का यूज़ करेंगे, सेम फॉर्मूला यूज़ करेंगे डेटेड इफ का, ब्रैकेट को करेंगे ओपन, ओपन करने के बाद आपको रेंज लेनी है डेट ऑफ बर्थ की, कॉमा लगाने के बाद आपको लिखना है टुडे, ब्रैकेट को क्लोज करना है, कॉमा यूज़ करना है, इन्वर्टेड कोड यूज़ करना है। अब हमें निकालना है टोटल ईयर। तो ईयर के लिए हम सिंपल वाई लिखेंगे, इन्वर्टेड कोड को क्लोज करेंगे, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। यानी अगर हम बात करें नीलम की तो नीलम हो गई है 20 साल की यानी 20 ईयर्स की, 4 महीने की, 26 दिन की। यानी इनकी जो टोटल एज है वो 20 साल 4 महीने 26 दिनों की टोटल हो चुकी है। अब समझ में आ गया होगा आपको कि मैं क्या निकाल रहा था। अब बात करते हैं हम लोग, पहले इसको मैं ट्रैक करके फिलफिल कर देता हूँ सभी के लिए। अब इसके बाद बात करते हैं हम लोग टोटल मंथ्स की, यानी कि इस डेट ऑफ बर्थ से लेकर के आज तक की कैलकुलेशन में टोटल मंथ कितने हुए हैं, अब हम वो निकालेंगे। तो उसके लिए हम इज इक्वल टू का यूज़ करेंगे, फॉर्मूला वही होगा हमारा डेटेड इफ का, ब्रैकेट को करेंगे ओपन, डेट ऑफ बर्थ की रेंज लेंगे, कॉमा यूज़ करेंगे। यहाँ पर हमें टोटल मंथ निकालना है तो इसके लिए हम लिखेंगे पहले टुडे, ब्रैकेट को करेंगे बंद, यानी इस डेट से लेकर के आज तक की डेट तक ये क्या कैलकुलेट करे, ये कैलकुलेट करे हमारा M यानी कि टोटल मंथ को कैलकुलेट करे। तो 244 यानी 244 मंथ हो चुके हैं टोटल अब तक। अगर हम बात करें टोटल डे की तो सेम फॉर्मूला फिर से हम यूज़ करेंगे डेटेड इफ का। डेटेड इफ लिखने के बाद आपको लेना है डेट ऑफ बर्थ की रेंज, कॉमा यूज़ करना है, आपको टुडे का फंक्शन यूज़ करना है, ब्रैकेट को करेंगे क्लोज, कॉमा यूज़ करने के बाद इन्वर्टेड कोट के अंदर अब हमें निकालना है टोटल डे। तो डे के लिए सिंपल डी लिखेंगे आप, ब्रैकेट को करेंगे बंद इन्वर्टेड कोट के साथ। और इसके बाद हम बात करें टोटल डे की तो इनको टोटल डे जो हुआ है वो 7452 डेज हो चुके हैं। अब बात करते हैं हम लोग बर्थ की, यानी कौन से दिन नीलम का बर्थ हुआ है, हमें वो निकालना है। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे यहाँ पर फॉर्मूला, हमारा थोड़ा चेंज हो जाएगा, हम यह फॉर्मूला यूज़ करेंगे वीकडे का। वीकडे का फॉर्मूला लगाने के बाद आपको लगाना है यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ की रेंज और ब्रैकेट को करना है बंद और एंटर प्रेस कर देना है, सिंपल। अब आप देखेंगे यहाँ पर 3 लिखा हुआ आ गया हमारे सामने। 3 का मतलब क्या, ये भी मैं आपको समझाता हूँ। इसके लिए आपको जाना है यहाँ पर पूरी रेंज को पहले एक बार सिलेक्ट कर लीजिए और इसके बाद आपको जाना है यहाँ जनरल वाले ऑप्शन पे, नीचे आना है आपको मोड नंबर फॉर्मेट्स पे, यहाँ से लेना है आपको डेट एंड टाइम, सॉरी कस्टम लेना है। कस्टम में जाने के बाद आपको जनरल सेलेक्ट करना है, जनरल को यहाँ से डिलीट कर देना है और आपको लिखना है 4D, यानी यहाँ पर डे को शो करा दे। एंटर करेंगे हम लोग तो आप देखेंगे यहाँ पर आपका डे आ गया, यानी आपका जो बर्थडे था वो था ट्यूसडे। इसी तरीके से अगर नायरा की बात करें तो नायरा का बर्थडे था फ्राइडे। तो चलिए इसी तरीके से हम लोग स्टार्ट करते हैं आवर्स। तो आवर्स निकालने के लिए आपको सिंपल करना क्या है, इज इक्वल टू का यूज़ करना है। आपको जो टोटल डेज दिखाई दे रहा है इस टोटल डेज को मल्टीप्लाई कर दीजिए 24 से, यानी कि
एक दिन के अंदर 24 घंटे अगर होते हैं तो इन टोटल डेज को मल्टीप्लाई कर दीजिए 24 से, तो ये आ गया आपका टोटल आवर्स, यानी इतने घंटे अभी तक आपको हो चुके हैं। अगर हम मिनट्स की बात करें तो सेम इसी तरीके से आवर्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए आप 60 से, तो आप देखेंगे यहाँ पर आपके मिनट्स भी शो हो गए। और अगर आपको निकालना है सेकेंड्स, तो सेम प्रोसेस है आपका, इज इक्वल टू मिनट्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए 60 से, क्योंकि एक मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं। सेम इसी तरीके से ये भी हमारा आंसर आ गया, तो था ना बहुत ही बेहतरीन फॉर्मूला। तो चलिए शीट अगर आपको पसंद आई हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अभी अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।